श्रोमणी अकाली दल ने दावा किया है कि पार्टी 2022 दे विधानसभा चोणां लई पूरी तरह नाल तैयार बर तैयार है। इस दौरान विधानसभा हलका जीरा तो पार्टी उम्मीदवार वजो श्रोमणी अकाली दल के सीनियर आगू और सबका मंत्री जनमेजा सिंह सेखों का नाम भी अज ऐलान दिया गया है। सुखबीर सिंह बादल ने अज फेसबुक से लाइव होकर इस गल का ऐलान किया है। तां दस दिए कि पंजाब विच चोणां भावें 2022 च होणियां हन पर अकाली दल वालों हुण तों ही उम्मीदवारां दा ऐलान शुरू कर दिता गया है। अकाली दल वालों इस तों पहलां डेरा बसी तों एनके शर्मा, जलालाबाद तों सुखबीर सिंह बादल, अटारी हल्के तों गुलजार सिंह रणीके, हिमकर तों विसा सिंह वलटोहा ते अजनाला तों अमरपाल सिंह बोनी नूं उम्मीदवार ऐलानिया जा चुका है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। पिछले दिनों तो मैं पार्टियां दी अलग अलग जिलों दी मीटिंग की, वर्कर सभा नाल मीटिंग की, सीनियर लीडरशिप नाल भी मीटिंग की, कई हल्कों असीं नाल नाल हुण इलैक्शन अपने हल्कों चार्ज भी अनाउंस कर रहे हैं, जिन्हां नूं टिकटां भी अनाउंस कर रहे हैं, क्योंकि समा रह गया साडा 8 महीने। कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार ने पंजाब नूं बर्बाद कर दिता। अज लोड़ है अपनी पार्टी की सरकार, जिहड़ी लोगों की पार्टी, जनता की पार्टी, गरीब किसान मजदूर की पार्टी। श्रोमणी अकाली दल के वर्करां दे नाल बहुत शिद्दत धक्का किया गया पिछले 4 साल, झूठे केस किए गए, लोगों को तंग किया गया, उन्हां दी घरां चों उन्हां नूं कढ के उन्हां नूं बेइज्जत किया गया। तो इस करके असीं चाहुंदे हां कि हल्का जिहड़े अपने हल्के है उत्थे तकड़े कैंडिडेट दे के आपां उस जंग नूं लड़ीए ते आपां जितीए। सो सारी फिरोजपुर जिले की असीं सलाह कर रहे सी, ते सलाह करके असीं फैसला कीता है कि जीरे हल्के तो सर जनमेजा सिंह सेखों जिहड़े एक्स मिनिस्टर है रहे है, ते साडे परिवार दे जी है, बहुत मेहनती है, बहुत हिम्मती है, दलेर है, ते पार्टी फैसला कीता कि उन्हां नूं जिम्मेवारी जीरे हल्के दित्ती जांदी है। अगला इलैक्शन जिहड़ा आउण वाला इलैक्शन है साल एमएलए इलेक्शन, सर जनमेजा सिंह सेखों जीरे हल्के की श्रोमणी अकाली दल की अगुवाई करेंगे। तो मैं सारे वर्करां नूं बेनती करता है, बहुत पुराना पंथक इलाका है, तो सारे कट्ठे होके जिहड़ा कांग्रेस के उम्मीदवार ने गंद पाया, जिहड़ा उन्हें लोगों का धक्का किया, उहदा इक्को इक इलाज है कि सेखो साहब जिताइए, वड्डे मार्जन जिताइए, क्योंकि सेखो साहब जितेंगे आने वाली सरकार का हिस्सा बन गए, तो उस इलाके बहुत ज्यादा तरक्की हो सकती है, जिहड़ियां पुरानियां कमियां आपां सारी उत्थे दूर करिए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे।